हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? वीडियो शुरू करने से पहले लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, मेरे दूसरे दो चैनल्स के, मेरे फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे जुड़े, आप मेरे दूसरे चैनल से भी जुड़े, तो नीचे लिंक है, ज़रूर जाके चेक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दूसरे दो चैनल्स पे भी, ताकि तीनों चैनल्स के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, ठीक है। एंड आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, ये करंट फीलिंग अपडेट है कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और अगर कोई पॉसिबल नेक्स्ट एक्शंस है तो वो क्या होंगे और कब तक लेंगे वो एक्शंस, तो इसी बारे में ये रीडिंग होगी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, सो डेफिनेटली ये हर एक से मैच नहीं करेगी। और जब कभी भी आप देखते हो, इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस, गाइडेंस, एडवाइसेस आपके लिए ज़रूर होंगे, तो एकदम ध्यान लगा के सुनिएगा। और बीच में कहीं मैं एक यस नो सेशन भी करूँगी, ताकि एक यू नो एक एक्स्ट्रा आपको किसी क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाए। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन पे, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव माइंडसेट के साथ अगर रीडिंग देखोगे तो फिर नेगेटिव मैसेजेस ही देख पाओगे और सुन पाओगे। तो जो भी है, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। प्रे टू एंजल्स, प्रे टू यूनिवर्स कि आपको क्लियर मैसेजेस मिले आपके पर्सन की तरफ से। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन इस वक्त। पहले हम तीन कार्ड्स निकालते, देखते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। पहला कार्ड हमारे पास है यहाँ पे आइसोलेशन, ओके। और तीन और दो कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ ओवरऑल। द रेबेल, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ, ओके। स्किज़ोफ्रेनिया, सो अ लॉट इज़ गोइंग ऑन एक्चुअली। मुझे लगता है ये पर्सन ने अपने आप को आपसे दूर करने के बाद, नाउ दे आर फीलिंग वेरी लेफ्ट अलोन, वेरी अबेंडेंट। उनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास अब कुछ नहीं रहा है, मैं अकेला पड़ गया हूँ या अकेली पड़ गई हूँ। यू नो दे आर फीलिंग वेरी अलोन, मे बी दिस इज़ वॉट दे चोज। मुझे लगता है ज़्यादातर तो इसी पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और इस वक्त ये पर्सन अकेला फील कर रहे हैं। उनके लाइफ में मे बी वो इतना सेटिस्फाइड नहीं है, दे आर फीलिंग क्वाइट अलोन। बट उनके अंदर का जो ईगो है, जो गुस्सा है, जो एक यू नो फीलिंग्स के ऊपर वो अपने गुस्से को और अपने ईगो को रखते हैं, ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कितना कुछ हो जाए, कितने ही कुछ इनको फीलिंग्स बैड फील हो या कितना ही बुरा फील हो, ये अपने फीलिंग्स को हमेशा बैक सीट पे रखते हैं और अपने ईगो को हमेशा आगे रखते हैं। सो वो कंट्रोल पाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उस पर ऑल्सो मुझे लगता है दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग। मे बी कोई चॉइसेस लेना है, कोई चॉइस करना है, कुछ डिसीजन लेना है इंपॉर्टेंट विच इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ वाई वो थोड़ा मुझे क्रॉस रोड पर नज़र आ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है वॉट टू डू, वॉट नॉट टू डू, बट ऑल इन ऑल दे आर नॉट हैप्पी, ओके। पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की, एंड दूसरा देयर इमोशनल वेलबींग इज़ नॉट क्वाइट राइट नाइट। अभी फ़िलहाल वो बहुत रेस्टलेस मुझे उनकी एनर्जी लग रही है, क्योंकि आप नोटिस भी कर रहे होगे, आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, ठीक है, मंबल कर रही हूँ। मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है जहाँ पर मुझे लगता है ये पर्सन कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, बट वो दिखा रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग क्वाइट गुड, बट वो ट्राई भी कर रहे हैं टू कंट्रोल देयर ओवरऑल लाइफ, वॉट इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, ठीक है। चलिए कुछ और आगे बढ़ते और देखते हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या फील कर रहे हैं। थ्री कार्ड्स फॉर व्हाट दे फील अबाउट यू राइट नाउ, ओके। फर्स्ट कार्ड इज़ द मोरालिटी, पहला कार्ड हमारे पास है मोरालिटी, और दो फॉर व्हाट दे फील अबाउट यू, वाओ, द ड्रीम, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द ड्रीम, और एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर व्हाट दे फील अबाउट यू, ओके। द लवर्स हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल। पहली बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक दिस पर्सन रियली लव्स यू, प्यार तो करते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, दिस पर्सन रियली लव्स यू। एक सोल कनेक्शन है आप दोनों का, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। बहुत डीप और बहुत डीप रूटेड फीलिंग्स है आपकी, ओके। दिस इज़ समवन
फ्रॉम योर पास्ट, नॉट फ्रॉम समवन फ्रॉम योर, नो कोई ऐसा नहीं है जो अभी अभी आपके लाइफ में आए हैं. दिस इज समवन हु हैज़ बीन विथ यू, लाइक बहुत समय इन्होंने आपके साथ बिताया, मे बी एक साल दो साल, नो मैटर वॉट, बट दे स्पेंट अ क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ टाइम विथ यू. ओके, वो आपको इन एंड आउट जानते हैं. ओके, एंड अभी भी ये मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, दे स्टिल फील अबाउट यू, दे स्टिल मिस यू, वो अभी भी आपको याद करते हैं, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं एंड आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं. ओके, बट प्रॉब्लम ये है, ये पर्सन ना इमोशंस को भी प्रैक्टिकली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, लाइक दे आर मिसिंग यू, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इन्होंने अगर कॉल भी कर लिया आपको तो आई डोंट थिंक के आप उनसे बात नहीं करोगे, बट दे आर नॉट इवन ट्राइंग. ठीक है, तो प्यार बहुत है, मिस काफ़ी करते हैं, इवन आपके ड्रीम्स देखते हैं, आगे के ड्रीम्स देखते हैं कि मुझे आगे क्या करना है. यू नो दे बिल्ड दिस मैंशन विथ यू, बट वो उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लेते. ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको किसी को हर्ट नहीं करना है, दे आर काइंड ऑफ यू नो ऑब्सेस्ड विथ कीपिंग एवरी वन हैप्पी, तो उनको आपको भी खुश रखना है, आपके फैमिली को भी खुश रखना है, करियर पे भी ध्यान है, सब कुछ एक साथ ही उनको मैनेज करना है. ओके, उनको कुछ गलत करना पसंद नहीं है, दे वॉन्ट एवरी थिंग राइट एंड दे वॉन्ट टू डू एवरी थिंग राइट. सो ऐसी एक ओवरऑल एनर्जी फील हो रही है, बट दे मिस यू, दे लव यू, आपके बारे में सोचते हैं, आपको इन एंड आउट जानते हैं, एक सोल कनेक्शन है आपके साथ, आपके ड्रीम्स देखते हैं आपके साथ, एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं. ओके, एंड दे वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज, बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं. वॉट मोर, ये मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स है, इसमें से देखते हैं कि वॉट डू वी हैव फॉर यू गाइज. नाउ यूजिंग दीज कार्ड्स, माई हैंड रिटन नोट्स, लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं, व्हाट सिग्निफिकेंट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू गाइस. तो मैं कुछ यहाँ से कुछ मैसेजेस निकालती हूँ. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, सो दीज वी हैव फॉर यू गाइस. यहाँ पे क्या ईगो क्लैश, मैनी ऑफ यू आर लाइक, आप दोनों में बहुत ईगो है, ना आप कम हो ना वो कम है, दोनों अपना ईगो बहुत आगे रखते हैं. मैंने जैसे बोला ईगो और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी आगे रखते हैं. नाउ दे आर हैविंग सम चॉइसेस, मे बी इनके पास चॉइसेस हो लव लाइफ में या किसी और सिचुएशन में. फायर साइन है, डेफिनेटली आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हो, एरीज हो, सैगिटेरियस, या फिर आप खुद हो इंटीमेसी. सो दिस पर्सन इज क्रेविंग टू बी विथ यू, आपके साथ वो इंटीमेट होना चाहते हैं, एंड हीलिंग, दे आर गोइंग थ्रू हीलिंग. सो पॉजिटिव सोच रहे हैं, इसी वजह से वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, डोंट वरी. लेट्स यूज दीज ओरेकल्स एंड देखते हैं कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप राइट नाउ, इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है. पहला कार्ड है यहाँ पे हायर पावर, यहाँ पे है क्लीन इट अप, मैसेज इन अ बॉटल. ओके, सबसे पहली बात जो मैं देख रही हूँ, पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ. नंबर 4 है, नंबर 21 है, नंबर 15 है. हो सकता है ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, लाइक ये डेट्स पे इंपॉर्टेंट हो सकते ऑफ दिस मंथ, और इन जनरल ही आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं. देखिए, मुझे लगता है द पर्सन यू आर डीलिंग विद इज काइंड ऑफ यू नो बहुत कुछ चल रहा है उनके अंदर. ओके, देर आर लॉट ऑफ अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस ऑल्सो, जो मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत सी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस है आप दोनों के अंदर. ओके, मे बी आपके भी अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आप इनसे बोलना चाहते हो बट नॉट एबल टू डू दैट. सो अ लॉट इज़ गोइंग ऑन बट एक्सप्रेशन कम है. मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन की कमी दिख रही है, कम्युनिकेशन की, कॉन्टैक्ट की कमी दिख रही है. आई सी सम मैसेज कमिंग इन फॉर यू गाइज बहुत ही जल्द इस पर्सन की तरफ से. ओके, विच विल लाइक मेक योर डे, बहुत खुश करेगा आपको ये मैसेज, और बहुत ज़रूरी भी है ये मैसेज आपके लिए समझना और जानना. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू बोथ आर वेटिंग ऑन ईच अदर. वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनसे इनिशिएटिव लेके बात करो, और आप उनका वेट कर रहे हो कि आप यू नो वो इनिशिएटिव लेके आपसे बात करें. सो अ वेट गेम इज़ गोइंग ऑन. दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, बोथ ऑफ यू आर वर्किंग ऑन टू ईच अदर टू मेक यू नो टू ब्रिंग इन हीलिंग एंड देन वर्क ऑन ईच अदर इन दिस रिलेशनशिप. आप दोनों अपने आप पे काम कर रहे हो, कुछ अपने डाउट्स, फियर्स, नेगेटिविटी को हटा रहे हो, ताकि यू नो आप एक हील होके एक दूसरे के पास आओ. ओके, तो बहुत से मुझे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई दे रही है आप दोनों के अंदर, जो इस रिश्ते के लिए बेटर होगा, जो इस रिश्ते के लिए बेहतर होगा. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हायर पावर यहाँ पे आपको हेल्प कर रही है टू यू नो इंटीग्रेट आपके मिलन के लिए, आपके एक होने के लिए. हायर पावर
बहुत शिद्दत से ट्राई कर रही है टू गेट यू बोथ गाइज टुगेदर. ओके, आप दोनों को एक दूसरे के पास लाने के लिए, आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए हायर पावर इज इन टू वर्क नाउ. तो डिवाइन इंटरवेंशन डेफिनेटली यहाँ पे हो रही है एंड यू शुड प्रे मोर. आई थिंक आपको और ज़्यादा प्रे करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, बोलना चाहिए. इवन योर वर्ड्स आर मोर पावरफुल ओके देन यू थिंक. चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं व्हाट्स हैपनिंग. What is your person's feelings right now? What are they feeling about you? Wheel of Fortune है. Okay, पहले cards निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं. Okay. I won't take these cards. Okay. So the cards we have got is Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius है. The Chariot है, Cancer. Page of Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius and Wheel of Fortune. Major जो मुझे यहाँ पे energy feel हो रही है, आपके person is stressed out. Okay, बहुत सोच रहे हैं, बहुत overthinking चल रही है. Especially at the night time when they're alone, they tend to overthink a lot. इतने ही हद तक कि जहाँ पे वो डिप्रेस हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, मे बी दे वेक अप ऑफ देयर स्लीप, यू नो, जग जाते हैं स्लीप से. या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, अभी ये वाइस वर्सा हो सकती है क्योंकि जनरल एनर्जीज पिकअप कर रही हूँ मैं. समवन हियर बहुत एंशियस दिख रहा है मुझे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड. ओके, मे बी दे क्राई, मे बी दे वेक अप एंड दे क्राई ओवर इट. तो ये फ्रस्ट्रेटेड से एनर्जी मुझे फील हो रही है. दिस कैन बी यू ऑल्सो, क्योंकि मे बी बहुत टाइम ले रहे हैं आपके पर्सन, दे आर नॉट रिटर्निंग बैक एंड यू आर वंडरिंग कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों सब ठीक नहीं हो रहा है, क्यों वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है. सो दिस माइट बी योर और योर पर्सनस एनर्जी. कहीं ना कहीं मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि मूवमेंट की कमी के वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो. ओके, आपके पर्सन मुझे लगता है कि दे आर नाउ प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स. वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं. जैसे होता है ना, हम लोग किसी एग्ज़ाम को जाने से पहले हाउ डू वी प्रिपेयर आर सेल्व्स, या फिर किसी ओरल एग्ज़ाम में जाने के पहले हाउ वी प्रिपेयर, ना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, समथिंग लाइक दैट. किसी स्पीच के दौरान दे आर प्रिपेयरिंग, लाइक लिटरली दे आर प्रिपेयरिंग वॉट टू से टू यू. ठीक है, तो ये पर्सन ना थोड़ा हिचकिचाहट इनके अंदर मुझे दिख रही है, थोड़ी झिझक दिख रही है कि वो क्या बोले, कैसे बात करे आपसे, क्या बात करे. बट दे आर लुकिंग एट यू, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है, काफ़ी लोग यहाँ पे दूर रहते हो, इंटरनेट कम्युनिकेशन है, या फिर मिले नहीं हो, इट्स जस्ट यू नो इंटरनेट कनेक्शन, और दे आर वेटिंग ऑन यू. वो वेट कर रहे हैं एक तो आपके तरफ से कुछ ग्रीन सिग्नल मिले, या फिर वो यू नो देन वो आगे बढ़ सकती है टूवर्ड्स यू नो मेकिंग दिस मूव फॉरवर्ड. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे वॉन्ट स्टेबिलिटी विथ यू. वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो भी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू बेसिकली रिकनसाइल. मुझे ओवरऑल एनर्जी लग रही है, मुझे रिश्ते को आगे बढ़ाना है, मुझे वापस आना है, प्लीज़ टेक मी बैक, आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू. सो ये मुझे एक ओवरऑल इनकी एनर्जी फील हो रही है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. और कार्ड्स निकालते हैं, लेट्स सी व्हाई इज दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून हियर कमिंग अप. वाओ, एट ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस. टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस. चैरियट क्यों है, द वर्ल्ड. आई टोल्ड यू मेनी ऑफ यू आर इन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस. नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है. वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, बेहतरीन कार्ड आ रहे हैं. एरीज, लियो, सैगिटेरियस एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है. या दिस पर्सन, लाइक ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे. ये कैप्रिकॉन एनर्जी है. ये पर्सन लाइक दे आर बाउंड टू यू. वो आपके बिना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं. दे कांट ईट वेल, दे कांट स्लीप वेल, वो काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं. जिस भी सिचुएशन के लिए उन्होंने बेसिकली आपसे दूरी कर ली या छोड़ा आपको, अब वो बैकफायर हो रहा है. वो चीज़ उनके लिए अब काम नहीं कर रही है. एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड ओवर यू. मे बी दिस इज़ योर एनर्जी टू. हो सकता है दोनों की भी एनर्जी हो, क्योंकि ऑब्सेशन मुझे बहुत भर भर के पूरे रीडिंग में ही दिख रहा है. दिन रात सोते जागते खाते पीते ही दिस पर्सन कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट यू. ओके, फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी दिख रहा है आपको लेकर. जैसे मैंने इंटीमेसी के बारे में भी बात की, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू टच यू, दे वॉन्ट टू होल्ड यू. मुझे ना बट पता नहीं क्यों आई सी दिस एज अ वेरी सेक्शुअल एनर्जी, बट मुझे इस पर्सन के अंदर सेक्शुअल फीलिंग से ज़्यादा ना दे वॉन्ट टू जस्ट बी विथ यू बाई योर साइड. जस्ट आपके बाजू में बैठ कर
आपके हाथों में हाथ देना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन. इनके लिए छोटी 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 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ऑल्सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दे आर अप्रोचिंग. बहुत टाइम ले लिया इस पर्सन ने, दे टुक देयर टाइम, दे डिसाइडेड एंड नाउ आई थिंक दे आर यू नो कमिंग अप विद दिस ब्रांड न्यू एनर्जी. ओके, फ्रेश न्यू स्टार्ट करती है ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड डेफिनेटली मुझे लगता है दे माइट ट्रैवल टू मीट यू. हो सकता है वो बिकॉज ऑफ दिस यू नो लॉकडाउन सिचुएशन में भी वो आ नहीं पा रहे हैं, बट दे आर प्लानिंग टू, क्योंकि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी लोगों का दिख रहा है. मे बी वो बोल सकते हैं लेट्स मीट डाउन एंड बात करते हैं मिल के, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, मुझे एक साइकिल यू नो एंड होके एक साइकिल, नई साइकिल शुरू होते हुए दिख रही है. ऑल्सो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक, ये बहुत सॉरी फॉर दैट कर रही थी मैं, बट बहुत श्योर है ये पर्सन, बहुत श्योर है कि ये रिश्ता इज़ गोइंग टू लॉन्ग लास्ट. ये रिश्ता आगे बढ़ेगा एंड काफ़ी आखिर तक जाएगा एंड दिस इज़ गोइंग टू लास्ट. सो दे सी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड इट. ओके, एंड ऑल्सो मुझे लगता है कम्युनिकेशन आ रहा है. नाइट ऑफ एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन आ रही है एंड दे विल टॉक अबाउट रीयूनाइटिंग. ओके, दिस विल ब्रिंग अ रीयूनियन. नाउ लेट्स सी, लेट्स टेक अ यस नो सेशन गाइज. ओके, लेट्स सी कि आपको अगर कोई सवाल है आपके मन में जिसका जवाब आप यस नो में, यू विल बी ओके विद दैट. डिसीजन की तरह मत लीजिए इसको, गाइडेंस की तरह लीजिए. लेट मी हैव सम वाटर, तब तक आप अपने सवालों का सवाल सोचिए. ओके, आई विल बी पुलिंग वन कार्ड एंड मैं आपको बताऊंगी कि उसका जवाब यस है या नो है. ओके, सो दिस इज योर आंसर. मैंने भी नहीं देखा है क्या है. सो आई होप आपने अपना सवाल सोच लिया होगा. लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन, सॉरी व्हाट्स द आंसर हियर. ओके, दिस इज अ यस. ओके, अ ब्यूटिफुल यस. अब हम लोग देखते हैं कुछ लव स्क्रोल्स. मैं 5 ही लव स्क्रोल्स लूँगी आज, क्योंकि मुझे उतना ही लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए. लव यू टू. सो या दिस पर्सन लव्स यू टू. एक दूजे के लिए. You are my happiness. I told you. Trust the process. Okay, और दो लेते हैं. भूलना मुश्किल है. I told you. Very obsessed over you. And last message है, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता. सो या दिस वॉज इट. कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कॉमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा. एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. टेक केयर, खुद का ख्याल रखिएगा और बस प्यार दीजिएगा और प्यार ही मिलेगा आपको. सी यू नेक्स्ट वीडियो.